मानक जी, मानक जी, कश्मीर और लद्दाख में बीजेपी का झंडा उठाने वाला पिछले एक साल से कोई कैंडिडेट या कोई इनका भाजपा का नेता नहीं मिल पा रहा है। ये वहां का लड़ाई में ही नहीं है। बीजेपी आज के तारीख में पूरे हिंदुस्तान में डूबता हुआ जहाज है, जीरो 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 पता है, और लोग अब उसका उतर करके भागने की तैयारी में भाग रहे कश्मीर में, क्योंकि बीजेपी लद्दाख का इनका अपना सांसद ठीक नहीं मिले भाई। ये खड़े हैं वहाँ पे। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है आपका बिलबिलाना, आपका बिलबिलाना देश को अच्छा लग रहा होगा कि ये घबराहट आपकी देश के लिए अच्छे संकेत। प्लीज के बोलने दीजिए, आपने पूरी बात कही किसी ने नहीं, सांसद के शर्मा प्लीज, इनको अखिलेश जी का संपर्क भी टूट गया था, प्लीज उनको बोलने दीजिए, अखिलेश जी अपनी बात नहीं कह पा रहे, प्लीज उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए अखिलेश जी, पहले अखिलेश जी ने आपको के शर्मा प्लीज, अखिलेश जी ने आपको बिल्कुल नहीं टोका, प्लीज बोलने दीजिए अखिलेश जी, आपकी बारी, बोलिए। देखिए लद्दाख में इनका सिटिंग सांसद इनके टिकट को रिफ्यूज कर देता है, अंदाजा लगा लीजिए इनकी क्या हालत है। कश्मीर में इनको लोग ढूंढते नहीं मिलते हैं, लद्दाख का चुनाव नहीं है, और ये कश्मीर की बात करते हैं, एक टेबल पे बैठ के जिस टेबल के सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीर के मैं आतंकी की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान को धन्यवाद दिया जा रहा है, उसके साथ मिलकर ये सरकार बनाए थे, मोदी जी के बगल में बैठ करके मुफ्ती साहब ये बातें कर रहे थे जब ये सरकार बनाए थे, इनकी मुख्यमंत्री कहती थी कि ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे कोई झंडा तिरंगा लेने चलने वाला नहीं है, सैनिकों को पत्थर मारे जाते थे, सैनिकों पर उल्टा FIR लिखा जाता था। इनकी राज्य में प्रधानमंत्री जी जाकर के बताते थे कि ये मोदी हैं कि सैनिकों पे मुकदमा करा सकते हैं। ये लोग क्या बीजेपी को सिर्फ पैसे के लिए पावर, अखिलेश जी 370 पर कुछ तो बोल दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीलोफर मसूद बैठी है, नीलोफर जी कह रही है मुख्य मुद्दा है हमारा, मुख्य मुद्दा हम जहां गठबंधन में जाते हैं हम गठबंधन के अपने एक पॉइंट बनाते हैं, एक मुद्दा मिलकर गठबंधन के साथ ही बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं, रोडमैप बनाते हैं, हम बनाएंगे और बकायदे हर चीज पे क्लियर कट जनता के बीच में आएंगे। आज इनको कोई इनको छूने को तैयार नहीं है पूरे देश में, आप सिर्फ कश्मीर में बने बैठे हैं। मतलब अखिलेश जी 370 पर कांग्रेस का स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका स्टैंड 370 पर अलग है। जो हमारा 370 की मैक्सिमम धाराओं को किसके समय डाइल्यूट किया गया या हटाया गया, कांग्रेस के समय, जब ये दोनों लोग सत्ता में थे तो विधानसभा से प्रॉपर पास करा करके क्यों नहीं कराया, क्योंकि इन्हें सिर्फ न्यूज बनानी है, इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं राष्ट्र का, क्या बोलना बोल रहे हैं ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे हमारे कश्मीर में घटनाएं बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे आप इसे इतना तो पूछिए, 3 महीनों में आतंकी घटनाएं कितनी बढ़ गई हैं, सुनिए कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं, हमारे रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं कश्मीर में, क्यों अखिलेश जी के शर्मा का चैलेंज है, चेतावनी है, वो कह रहे हैं 370 पर जम्मू कश्मीर में गठबंधन आपने कर लिया, बाकी 3 राज्य भी हार जाएंगे, अब आप ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये रख लीजिएगा, चारों राज्य हम जीतेंगे, ये घबराए हुए थे इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड ने एक साथ चुनाव नहीं कराए, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये जो एनडीए गठबंधन है ये सरकार गिरेगी दिल्ली में, उस पर असर पड़ेगा, इसलिए महाराष्ट्र में इन्होंने गठबंधन की समस्या से बचने के लिए चुनाव को डिफर किया है, और ये सबको पता है, सबको पता है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हम लोग जीत रहे हैं, अच्छी तरह से जीत रहे हैं,
क्योंकि देखिए कलाई खोल चुकी। अच्छा ठीक है ओके, के शर्मा क्विक रिस्पांस, उसके बाद आगे जा रहा हूँ आनंद दुबे और कृष्णा। के शर्मा जल्दी से। मानक जी मैं कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक दिवालियापन पर मुझे हंसी आती है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, चुनाव कराना किसी सरकार का काम नहीं है। दूसरी बात, लेकिन ये दिवालियापन है इनका कि इनको मुद्दे तक नहीं पता होते। दूसरी बात, आपने धारा 370 पर स्पेसिफिक पूछा, एनसी की प्रवक्ता यहां बैठ के कह रही है कि धारा 370 हमारा प्रमुख मुद्दा है और इनकी बोलती बंद है कांग्रेसियों की। अरे सर्व करो, कितना देश के जो हित के साथ समझौता करोगे, कितनी राष्ट्रीयता के साथ समझौता करोगे, कितना इस देश के अंदर खंजर पीठ पे भोंकोगे कांग्रेसियों, इतना तो सर्व करो। धारा 370 हटाने का आपने विरोध किया था। अखिलेश जी एक और जवाब दे रहा हूँ आपको मौका। अखिलेश जी बोलिए, उसके बाद आगे जाऊंगा। अखिलेश जी बोलिए, चलने देंगे। अखिलेश जी बोलिए, इस फारूक अब्दुल्ला ये जो महबूबा मुफ्ती, इसके साथ आप बैठकर बैठक कर रहे थे। अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी का जवाब, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। के शर्मा एक सेकंड, अब रुक जाइए। अखिलेश जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोलिए जल्दी से। आपके जो है दोगली नीति, क्या है आपकी दोगली नीति? बोलिए अखिलेश जी, कितने दोगले नीति के साथ काम करते हैं आप लोग? ये खामोश, आपने कई बार पूछा, अरे क्यों बैठ आप लोग इसी तरह, आप लोगों को बौखलाते रहने के दिन है इसी तरह, और आप बौखलाते ही रहेंगे। महबूबा के साथ अभी कभी आपके खुशरुमा दिन वापस नहीं आने, आप लोगों को हमेशा बौखलाते ही रहना है। सुनिए प्लीज, सुन लीजिए के, प्लीज बोलने और बौखलाते रहिए। आपने अपनी बात कह दी ना के, प्लीज प्लीज के शर्मा प्लीज, प्लीज आपने अपनी बात कह दी, उनको बोलने दीजिए। अखिलेश जी बोलिए, ये देश नहीं, इधर उधर क्यों घूम रहा है? ये देश के लिए तो ना बोले, ये देश के लिए अच्छे, क्या लोकसभा में साथ में भी महबूबा इनके, बताइए आप मेरे को। अरे लोकसभा में इंडिया अलायंस में नहीं थी महबूबा मुफ्ती, आपको भी पता है, अलग हो गई थी, सिर्फ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था इंडिया अलायंस में उसके। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं क्या? लड़े, लेकिन महबूबा तो हाथ उसमें थी। अच्छा अखिलेश जी का संपर्क फिर टूट गया लगता है, आज नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। आनंद दुबे, आप आनंद दुबे और कृष्णा।